पीपल, दिस इज प्रतीक शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें हम जाएंगे शोरूम और शोरूम में देखेंगे नई वाली किया सेल्टोस। यस, अभी दो तीन दिन पहले नई किया सेल्टोस कुछ नए फीचर्स के साथ मार्केट में आई है, 2022 वेरिएंट, और उसमें क्या चेंजेस हैं और क्या है वो मैं सब आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। पर उसके पहले अभी हम चलते हैं शोरूम। शोरूम पे एक जगह गाड़ी आई हुई है और वहाँ पर हम गाड़ी नई वाली जो 2022 किया सेल्टोस है बेस वेरिएंट इसका हम देखने वाले हैं, जो कि है STE, क्योंकि यही इसका सबसे वैल्यू फॉर मनी मॉडल है अगर आप देखेंगे पूरी रेंज में। तो अब चलते हैं शोरूम, वहाँ देखते हैं गाड़ी को और उसके बाद आते हैं बैठ के बात करते हैं। ये इसका बेस वेरिएंट है सेल्टोस का STE। ये इसमें मैनुअली आएगा, ऑटोमेटिक नहीं है। और इसके अंदर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आएगा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग है और स्क्रीन के बजाय यहाँ पर ये आपका बेसिक फीचर्स आएंगे, स्क्रीन इसमें नहीं आएगी। यहाँ आपका 12V का चार्जिंग पोर्ट है, USB का भी है, मैनुअल है और ये यहाँ पर ऐसे फंक्शन आएंगे, स्क्रीन नहीं आएगी इसमें, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आएगा। उसके अलावा यहाँ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग भी आएगी, इसमें शार्क फिन एंटीना है, रूफ रेल्स नहीं है इसके अंदर, चारों पावर विंडोज़ हैं और सीट अपहोल्स्ट्री बहुत अच्छी है इसकी। यहाँ पर आपका स्टोरेज के लिए भी जगह आएगी। ये हैंड रेस्ट है, मैनुअल है ये, और ग्लव बॉक्स देख लेते हैं, काफ़ी डीप है ग्लव बॉक्स। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो अच्छा टोन दिया हुआ है, तो डैशबोर्ड पे ड्यूल टोन है ब्लैक और ये मैट कलर, बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये मैक्सिमम सीट को पीछे कर रखा है, मेरी हाइट है 5'8" और उसके बाद भी लेग रूम काफ़ी अच्छा है। पीछे की तरफ भी दो एयर वेंट्स हैं और यहाँ पर भी आप मोबाइल रख सकते हो। और ये आपका चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर भी दे रखा है पीछे की तरफ, यहाँ पर कुछ नहीं है जिसमें आप रख सको बेस मॉडल में। और ये क्रोम की यहाँ फिनिश है और ये स्पीकर्स हैं और डिक्की में भी काफ़ी अच्छी बूट स्पेस है, वो मैं अभी टोटल पूरा मेंशन कर दूंगा। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपकी लाइट दे रखी है, फ्रंट में यहाँ पर आप अपना सनग्लासेस रख सकते हैं, प्लस यहाँ पर भी लाइट है, तो ये लाइट है यहाँ पर। और यहाँ पर भी दो ग्लास होल्डर्स हैं। तो दिस इज़ द बेस वेरिएंट ऑफ किया सेल्टोस 2022। इसमें 4 एयर बैग्स हैं और शार्क फिन एंटीना है और रूफ रेल्स नहीं आएंगे इसमें। तो ये है नई किया सेल्टोस बेस STE। पीछे की तरफ भी सीट बेल्ट्स हैं और काफ़ी अच्छा इसका ये दे रखा है, विंडोज़ काफ़ी अच्छी कर रखे हैं, ग्रैब हैंडल्स हैं, तो गाड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है इस समय पे। बाकी बातें घर करके चलेंगे कि कौन सी यूटिलिटी का वेरिएंट है इसके अंदर और आपको क्या ये वेरिएंट लेना चाहिए। लीटर की बूट स्पेस है इसमें 433, तो ये 433 लीटर की इसमें बूट स्पेस है, विच इज़ मोर देन सफिशेंट। और इसमें आप हाइट एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, सीट्स का हाइट एडजस्टमेंट भी है इसके अंदर और डैशबोर्ड काफ़ी रिच है इसका। और ये फ्रंट में जो ग्रिल्स है ये भी बड़ी स्टाइलिश इन्होंने कर रखी है, यहाँ पर भी ड्यूल टोन है, ऊपर की तरफ आप देख सकते हो और नीचे की तरफ भी देख सकते हो। सो गाइस, आप लोग ने देख लिया होगा अभी गाड़ी को, मैंने उसमें काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, कुछ चीज़ें मैं और बताना चाहूँगा। सबसे पहले कि इसकी जो टाइगर नोज ग्रिल है जो सिल्वर फिनिश में है वो बहुत ही स्टाइलिश है। उसके अलावा अगर हम गाड़ी के इंजन की बात करें तो 1.5 लीटर का इंजन है जो कि राउंड अबाउट प्रोड्यूस करता है 144 NM। और इसके अगर हम फ्यूल कैपेसिटी मतलब जो इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो वो लगभग राउंड अबाउट 50 लीटर्स का है। और इसके अलावा मैं कुछ चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इसमें शार्क फिन एंटीना है, रूफ रेल्स नहीं है।
अब बात करते हैं कि पुरानी वाली एसटीई और नई वाली में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले सस्पेंशन जो था वो पुरानी वाली में वो काफ़ी स्टिफ था, तो मतलब आपको जो गड्ढे थे वो बहुत फील होते थे, उस वजह से काफ़ी बुकिंग्स किया सेल्टोस की कैंसिल भी होती थी, माउथ पब्लिसिटी से भी गाड़ी की काफ़ी नेगेटिव इमेज मार्केट में जा रही थी, जो किया ने सॉल्व कर दिया है। और सस्पेंशन जो है वो अब स्टिफ नहीं है, बहुत ही अच्छा सस्पेंशन है, कंप्लायंट सस्पेंशन है। उसके अलावा अब किया ने सीट बेल्ट में, मतलब एयरबैग्स हैं यानी टोटल में 4 एयरबैग्स हो गए, तो 2 उन्होंने सीट बेल्ट में दे रखे हैं, तो बेसिकली अब गाड़ी में 4 एयरबैग्स आ रहे हैं। और सस्पेंशन, ये 2 का मेजर चेंज जो गाड़ी के अंदर किया गया है, जो कि नई अभी 3 दिन पहले जो किया सेल्टोस 2022 वेरिएंट जो लॉन्च हुआ है उसके अंदर ये मेजर चेंजेस करे गए हैं। अब आप टायर प्रोफाइल की बात करते हो तो 16 इंचेस स्टील रिम्स आपको इसके अंदर मिलेंगे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। इस 16 इंच के साइज़ की वजह से रोड के ऊपर गाड़ी का एक तो प्रेजेंस बहुत अच्छा हो रहा है, दूसरा अगर आप बात करते हो तो राइड भी काफ़ी कंप्लायंट हो रही है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। उस वजह से भी गाड़ी काफ़ी पॉइंटेड है और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं। उसके अलावा इसके अंदर अगर आप बात करते हो, जो मैंने वीडियो में बताया गाड़ी देखते समय कि मिरर्स हैं वो आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट नहीं कर सकते हो, वो मैनुअली है। और इसके अलावा ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो ज़्यादा मेजर चेंजेस हुए हो जिसके अंदर। तो अब बात करते हैं कि किया सेल्टोस का ये वेरिएंट क्यों लिया जाए और क्यों मैं इसको वैल्यू फॉर मनी बोल रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ कि अगर मैं किया सेल्टोस ले रहा होता तो मैं बेस वेरिएंट लेता। अब आजकल जो हो गई जनता वो बड़ी समझदार हो गई है, आजकल मार्केट में थर्ड पार्टी से आप बहुत सी चीज़ें एक्सेसरीज इंस्टॉल करा सकते हो। जैसे जब मेरी बात हुई तो ऑन रोड गाड़ी की प्राइस है अराउंड 11,85,000 के अराउंड, किसी शहर में थोड़ा ऊपर किसी शहर में थोड़ा नीचे, उसके ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी का वो लगाते हैं और मतलब 20,000 से 25,000 के बीच में, एसेसरीज भी अराउंड 20,000 से 25,000 के बीच में आती हैं। मैं कहता हूं कि आपको ये दोनों चीज़ें एक्सक्लूड कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि किया में बेसिक वारंटी तो वैसी आ रही है, एक्सटेंडेड बेसिक वारंटी भी 3 ईयर्स की है, एक्सटेंडेड वारंटी की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप एसेसरीज की बात करते हो तो मैंने नेक्सॉन के समय भी कहा था कि आप आफ्टर मार्केट चीज़ें लो, वो सस्ती भी पड़ती हैं और बल्कि बेटर लुकिंग भी होती हैं। और मैं ये कहता हूँ कि इसमें कुछ चीज़ें जो हो सकती थी उसमें से पहला है आपका रूफ रेल्स, जो कि हो सकता था, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, आपको 2,000 से 3,000 के बीच में रूफ रेल्स मार्केट में मिल जाती है अच्छी क्वालिटी की, कि आपको वो एक फंक्शन दे देना चाहिए था। इसमें पीछे की तरफ एयर वेंट्स हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप स्क्रीन की बात करते हो तो टच पैनल नहीं है। अगर आप चाहें, जो मैं जिस पॉइंट पे आ रहा था कि क्यों ये गाड़ी सबसे कॉस्ट एफिशिएंट और सबसे वैल्यू फॉर मनी है, वो ये है कि एक आदमी को गाड़ी से क्या चाहिए। जैसे मैं हूँ, मुझे चाहिए कि राइड जो हो वो काफ़ी अच्छी हो, कंप्लायंट हो, तो किया ने कर दी। पीछे की तरफ 2 एसी वेंट्स हो के पीछे बैठे, ठीक है, वो दे दिया। उसके अलावा स्टोरेज कैपेसिटी आगे की तरफ मैंने दिखाया, 2 काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा अगर आप फिट एंड फिनिश देखते हो तो बहुत ही रिच फील आपको दे रही है, स्कोडा कुशक की टक्कर में दे रही है। उसके अलावा इंजन, 1.5 लीटर इंजन इज मोर देन सफिशियंट फॉर योर डेली नीड्स। उसके अलावा प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हो गए, एक फॉग लैम्प मैं समझता हूँ कि हाँ, DRL और फॉग लैम्प अगर आप चाहें तो आप लगवा सकते हैं, बट मैं ये समझता हूँ कि जो बेस से ऊपर वाला वेरिएंट है वो लगभग आपको 1 से 1.5 लाख रुपए महंगा पड़ेगा, शहर टू शहर डिपेंड करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि उतना पैसा खर्च कराने के बजाय आप 1/4 प्राइस में बाहर से चीज़ें लगवा सकते हो और बहुत अच्छी लगवा सकते हो। और इसके अलावा अगर आप बात करते हो तो किया ने टोटल में बैजिंग को चेंज किया है, जो कि बहुत छोटा सा चेंज है पर लोग उसको काफ़ी बड़ा करके बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से जो बेसिकली मेजर ही चेंजेस है वो है, एक तो सस्पेंशन को काफ़ी स्मूथ कर दिया है जो कि पहले बहुत स्टिफ था, और सेकंड चीज़ इस वाली के अंदर आपको 4 एयरबैग्स दे दिए। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जैसे कुछ अच्छे फीचर्स गाड़ी में डाले हुए हैं जो कि कई अच्छी गाड़ियों में भी आपको नहीं मिलते हैं। और मैं अगर बात करूं तो किया सेल्टोस की बॉडी मुझे बहुत अच्छी लगी। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि नीचे की तरफ स्किड प्लेट्स हैं जो कि बहुत एक अच्छा एक लुक देती हैं गाड़ी को, प्लस ऑफ रोडिंग के सम कभी आप ऑफ रोडिंग में वैसे अगर लेकर जाएंगे तो आपकी गाड़ी सेफ भी रहती है स्किड प्लेट्स की वजह से।
तो ये कुछ फीचर्स हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये सबसे वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि अगर आप इस वेरिएंट को लेते हैं और अगर आपको सनरूफ का शौक नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना, मार्केट में DRLs अगर आपको लगवाने हो या फॉग लैंप्स तो देखिए अराउंड 5000 से शुरू होते हैं और 20 तक जाते हैं, तो 5-6000 में अच्छे फॉग लैंप्स, और अगर आपको ये चाहिए कि नहीं मुझे DRL भी लगाना है तो 7-8000 में अच्छा DRL लग जाता है मार्केट में, तो और अगर आपको चाहिए नहीं स्क्रीन भी लगवानी है तो 10-11000 में स्क्रीन भी अच्छी आ जाती है। तो मतलब टोटल में बात ये कि अगर आप इसमें एक्सटेंडेड वारंटी, जो कि मैं कहता हूँ आपको हटवा देनी चाहिए, उसके अलावा एक्सेसरीज को हटवा दीजिए क्योंकि दोनों चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, और ऑन रोड आपको गाड़ी पड़ेगी 1185 की, इसके ऊपर मैं कहता हूँ कि अगर आप एक स्क्रीन लगवा लें जो कि 10-20000 तक के बीच में आती है, देखिए 10000 की बहुत अच्छी स्क्रीन आती है, मेरे कई नॉन लोगों ने इंस्टॉल कराई है, बहुत ही अच्छी स्क्रीन आती है। और उसके अलावा मैं कहता हूँ एक तो आप ये एडिशन करा सकते हैं, रूफ रेल से गाड़ी थोड़ा एक अच्छा लुक देती है तो 1.5-2000 में आप वो करा सकते हो। उसके अलावा अपोल्स्ट्री और सीट कवर, जो सीट है वो ऑलरेडी मैं आपको गाड़ी में दिखा चुका हूँ, तो ये दो एडिशन से मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी फुल कंप्लीट हो जाती है। और जैसे मेरे जैसा आदमी है, मुझे तो टच स्क्रीन सच्ची में अगर गाड़ी में नहीं हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मेरे लिए तो बेस मॉडल में ज़्यादा फीचर दे रखे हैं जितनी तो मेरी यूटिलिटी की ही नहीं है। तो गाड़ी बहुत ही अच्छी है, और आफ्टर दे हैव वर्कड अपॉन देयर सस्पेंशन और दे हैव मेड इट परफेक्ट, मुझे लगता है कि किया सेल्टोस इज़ अ मच बेटर प्रपोजल इन टोटैलिटी देन क्रेटा, और मुझे लगता है कि अब ये गाड़ी जो क्रेटा की जो हम अच्छी पॉजिटिव मानते थे सेल्टोस के ऊपर कि इसकी राइड बहुत सफल है और बहुत अच्छी है, नाउ किया हैज़ इम्प्रूव्ड इट। और उसके अलावा जो 4 एयरबैग्स दे दिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जहाँ थोड़ी किया पहले वीक हो रही थी वो अब वापस सॉलिड हो गई है। तो रिव्यू तो 5 में से 4, और मेरे हिसाब से आपको बेस मॉडल कंसिडर आप कर सकते हैं, और उसमें आप एक दो चीज़ें ऐड कराएंगे तो आप कि गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो फालतू पैसा ना वेस्ट करिए मॉडल्स के ऊपर, बाहर चीज़ें सब अवेलेबल हैं, और अपनी यूटिलिटी के हिसाब से आप गाड़ी लीजिए बजाय किसी को दिखाने के हिसाब से। तो ये मेरा टोटल रिव्यू था, आई होप यू लाइक्ड इट, और आगे जाके भी और ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।